गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्टिस्ट्री बाय श्वेता। तो आज का जो वीडियो है वो है दिवाली मेकअप लुक। आई नो बहुत दिन के बाद मेरे वीडियोस आ रहे हैं, बहुत लंबा टाइम हो गया मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं अपने चैनल पे। थोड़ी सी इश्यूज थे, ठीक है, लाइफ गोज ऑन। आई विल ट्राई कि वीडियोस अब आए, रेगुलर हो। ये वीडियो आप एंड तक देखिए और लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मेकअप गाइस। मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैंने स्किन केयर कर लिया है, अभी हम प्राइमर से शुरू करेंगे। आज मैं दो तरीके के प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, एक है ऑयल बेस्ड और एक है वाटर बेस्ड। ये है परसाली से और ये है आपका स्मैशबॉक्स से। पहले जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है आपका स्मैशबॉक्स से वाटर प्राइमर। वाटर प्राइमर ड्राई हो जाएगा उसके बाद ही मैं ये वाला यूज कर रही हूँ। दिस इज फ्रॉम परसाली रोज गोल्ड। तो ये वाला मैं जस्ट थोड़ा सा ड्रॉप ले रही हूँ ताकि मेरा फेस जो है वो हाइड्रेटेड रहे। प्राइमर के बाद मैं यूज कर रही हूँ बेनिफिट से सनबीम। दो तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, लिक्विड हाइलाइटर को एज इन फाउंडेशन से पहले लगा सकते हैं या फाउंडेशन के साथ मिला के लगा सकते हैं। मैं दोनों तरीके से लगाती हूँ, बट पहले लगा करके देन आप फाउंडेशन जब लगाते हो ना तो एक अलग ही ग्लो आपको अपने फेस पे दिखता है। इसके बाद का जो स्टेप है वो है आपका कलर करेक्टर, बट मेरे स्किन में ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं हैं और अभी पिगमेंटेशन भी उतने हैं नहीं। ये सारे मेरे फाउंडेशन से हाइड हो जाएंगे और बाद में मैं इस पर कंसीलर भी अप्लाई कर सकती हूँ। अभी जो मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ वो है डियोर से और ये जो मेरा शेड है दैट इज़ 031। बहुत मेसी हो गया है ये, एक्चुअली थोड़ा लीक कर गया था। मेकअप रेवोल्यूशन लंदन का जो कंसीलर है दैट इज शेड है C10, ये मेरा शेड है, ये वाला आज मैं यूज कर रही हूँ। कंसीलर करने के बाद आज हम क्रीम कॉन्टोर करेंगे। मैं जो आज यूज कर रही हूँ वो NYB का है। और लिक्विड ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ बेनिफिट का बेनी टिंट। और आज अपने फुल फेस को मैं सेट करूंगी कवर इफेक्ट्स का ट्रांसलूसेंट पाउडर से अपने ब्रश के साथ। आज मैं अपना फेस बेक करने वाली हूँ पैक का HD ट्रांसलूसेंट पाउडर से। जब तक ये सेट हो रहा है तक हम अपना आईब्रो करेंगे और मैं आईब्रो के लिए आज यूज कर रही हूँ बेनिफिट से आईब्रो पेंसिल उसका। आज मैं आईज के लिए यूज करने वाली बहुत प्रिटी शेड है ये, निका के से है ओ हनी। एंड आप देख सकते हो कि इसमें ब्राउन एंड येलोज एंड ग्रीन्स के शेड्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल। और मेरा तो जो आउटफिट है वो भी आज येलो ही है, येलो एंड ग्रीन। तो आज मैं यूज करने वाली हूँ ये शेड और ये शेड, इनके कॉम्बिनेशन में आज हम अपना आई मेकअप करने वाले हैं। तो पहले मैं ब्राउन ले रही हूँ ताकि मैं उसे एक क्रीज लाइन में अपने एक शेड क्रिएट कर सकूँ।
काजल से आज हम अपना लाइनर क्रिएट करने वाले, स्मज्ड आईलाइनर होगा वो। याद रखिएगा, जब आप इसको ब्लेंड कर रहे होंगे, आप तुरंत लगा के तुरंत इसे ब्लेंड करिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है, और एक बार ये सूख गया तो ब्लेंड करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। एकदम हल्के हल्के हाथों से करिए, एकदम हड़बड़ाइएगा नहीं, नहीं तो पता चला बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। आपको एकदम मोटा नहीं करना, अपने आईलैशेस से सट के ही आप ब्लेंड करते रहो। आज मैं स्मज्ड आईलाइनर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आई मेकअप है वो बहुत ज़्यादा ही सिंपल मैंने किया है। ज़्यादा मोटा अपना काजल मत लगाइएगा, मैं आईलैशेस से सट के ही लाइनर लगा रही हूँ। एंड देन इसे अब तुरंत दूसरे अपने हाथ में एक ब्लेंडिंग ब्रश भी रखिएगा, तुरंत ब्लेंड करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो तुरंत सूख जाएगा एंड आपका फिर ब्लेंड नहीं होगा। इनर कॉर्नर में जब आप कर रहे हो तो प्लीज आंख हल्का खोल लीजिए। तो मैंने ऑफ कैमरा ये वाला कंप्लीट कर लिया अपना, और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये सेम आईज हम इसमें करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर में भी मैंने अपना आईलाइनर को स्मज करा है, एंड नीचे में भी मैंने अपने काजल को स्मज करके अप्लाई करा है। नीचे में जब हम काजल लगाएंगे तो हम अपने वाटर लाइन पे भी लगाएंगे फर्स्ट, एंड देन सेकेंड हम अपने काजल को थोड़ा वाटर लाइन से बाहर लगाएंगे। ज़्यादा आपको बाहर लगाना नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे लगाना है। फर्स्ट मैं अपने वाटर लाइन एरिया पे लगाऊंगी, आईज के इनर कॉर्नर के लिए मैं सेम पैलेट से आपका ये जो सेंटर में जो शेड है दैट इज येलो ग्रीनिश शेड जो है ग्लिटर शेड है ये, यही मैं अप्लाई करने वाली हूँ। तो इसे मैं अपने ब्रश में लूंगी। ब्लश के लिए मैं यूज करूंगी पैक से स्टूडियो ब्लशर, और इसका जो शेड है दैट इज 09। हाइलाइटर के लिए मैं आज अनस्ताजिया का यूज कर रही हूँ पैलेट, दैट इज द ग्लो किट पैलेट, एंड इसमें से मैं स्टारडस्ट यूज लूंगी। सेम पैलेट से मैं गम ड्रॉप लूंगी अपने ब्रश में, ये हल्का पिंकिश टोन पे है हाइलाइटर, एंड मैं इसे अपने ब्राउज के नीचे पे हाइलाइट करने वाली हूँ। लिपस्टिक के लिए आज मैं यूज कर रही हूँ मैक का लिपस्टिक, एंड इसका नाम है सिन। बहुत प्यारा मरूनी शेड है, मेरे को लिपस्टिक आज थोड़ा बोल्ड रखना है। सेम लिपस्टिक से ही मैं आज अपना लिप लाइन करने वाली हूँ, एंड इसके लिए मैं एक ब्रश ले रही हूँ, जो आपका लाइनर ब्रश रहता है, आई लाइनर ब्रश रहता है उसको, उसी में मैं अपना थोड़ा सा लिपस्टिक लूंगी, एंड उसी से आज मैं अपना आउटलाइन क्रिएट करूंगी लिप्स का। पैक का आईलैशेस अप्लाई कर रही हूँ, और इसका जो नंबर है दैट इज SLK 101। लास्ट स्टेप है आपका मेकअप फिक्सर, और जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ वो है पैक से, एंड ये जो है ये माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर है। जस्ट अपना आँख बंद करिए एंड स्प्रे कर लीजिए। तो ये मैं रेडी हूँ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, एंड उस बेल आइकन को जाके प्लीज़ क्लिक करिए। एंड तब तक के लिए गाइस बाय, हैप्पी दिवाली।